से प्रधानमंत्री मोदी ने 4 सीवरेज प्लांट्स का किया उद्घाटन। छठ के पर्व दिवाली की देशवासियों को दी बधाई। पाकिस्तान को संघर्ष विराम के उल्लंघन पर दिया जा रहा मुंहतोड़ जवाब। उप मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम में पत्रकारों को कर रहे थे संबोधित। पुलवामा के लित्तर गांव में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर। लश्कर के टॉप कमांडर वसीम शाह और हाफिज निसार को सुरक्षा बलों ने तारा मौत के घाट। नागर सिंह के बेटे ने संदिग्ध परिस्थितियों में उधमपुर जेल में की आत्महत्या। पूर्व MLC दीपिंदर कौर के बेटे की हत्या के आरोप में जेल में बंद था मृतक जितेंद्र सिंह। कुलगाम में आतंकियों ने PDP नेता के काफिले पर किया हमला। नेता अब्दुल मजीद पादरू के ड्राइवर की हुई मौत। उप मुख्यमंत्री ने कठुआ में दिवाली की तैयारियों के चलते बैठक की अध्यक्षता। तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। विभिन्न मांगों को किया उजागर। अब्दुल हक ने 2 RDD कर्मचारियों के निलंबन के दिए निर्देश। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशालय कश्मीर से किया गया अटैच। लाल सिंह ने वृक्षारोपण के महत्व पर जागरूकता फैलाने पर दिया बल। सांबा कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधारोपण अभियान का लिया जायजा। लश्कर टॉप कमांडर वसीम का मारा जाना स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत। IGP मुनीर खान ने सुरक्षा बलों के कार्य की सराहना। गांधरबल में एक पुलिसकर्मी को लड़की से बदतमीजी करना पड़ा भारी। लोगों ने आरोपी कर्मी को किया पुलिस के हवाले। घाटी के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी की गई दर्ज। सर्दी ने दी घाटी में अपनी दस्तक। कांग्रेस महिला इकाई ने श्रीनगर में किया प्रदर्शन। घाटी में बढ़ रही चोटी काटने की घटनाओं पर जताया रोष। रीजनल पासपोर्ट कार्यक्रम में पासपोर्ट अदालत व मेले का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया मेले का उद्घाटन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने आज सरवाल अस्पताल का किया दौरा। डेंगू प्रभावित मरीजों का जाना हालचाल। उधमपुर में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साप्ताहिक कार्यक्रम हुआ संपन्न। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेटी बचाओ के प्रति जागरूक करना। लश्कर आतंकी की मौत के बाद पुलवामा में हालात हुए तनावपूर्ण। इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक। श्रीनगर में रेल सेवा फिर से हुई बहाल। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर जताई खुशी। कहा मुख्यमंत्री ने बैंक में बदलने का दिया है आश्वासन। बनिहाल में निर्माणाधीन कॉलेज की इमारत पिछले 9 साल से है अधूरी। छात्रों को हो रही शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी। काजीगुंड स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर की खस्ता हालत के कारण लोग हैं परेशान। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी क्लिनिक का लेना पड़ रहा सहारा। डोडा में आज स्वच्छता अभियान के तहत रैली का किया गया आयोजन। डिप्टी कमिश्नर डोडा भवानी रखवाल ने रैली को दिखाई हरी झंडी। JNK कल्चरल अकादमी ने अपनी हड़ताल की स्थगित। कहा अकादमी के VC के आश्वासन के बाद लिया गया है फैसला। इन्फॉर्मेशन विभाग के कर्मियों ने अपनी हड़ताल ली वापस। सूचना मंत्री जुल्फिकार अली के आश्वासन के बाद लिया गया फैसला। डोडा के ठाठरी स्थित मिडिल स्कूल के इमारत दे रही बड़े हादसों को न्योता। डर के साए में छात्रों को पढ़ने के लिए होना पड़ रहा मजबूर। मढ़ विधायक ने शौचालयों के निर्माण के लिए लोगों में चेक किए वितरित। 24 लाख के कुल राशि लोगों में की गई वितरित। कुलगाम में नूराबाद में स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। स्थानीय लोगों ने शिविर में स्वास्थ्य सेवाओं का उठाया लाभ। सेना ने किश्तवाड़ में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। युवाओं के मध्य खेलों को बढ़ावा देना है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। विजयपुर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। श्रीराम सेना ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले पर जताई आपत्ति। कहा व्यापारी वर्ग को रहा करोड़ों का नुकसान। GK अपडेट अपडेट रहें हमारे साथ।
जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लॉग ऑन करें jkupdate.com पर, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें जेके अपडेट मोबाइल ऐप, सब्सक्राइब करें जेके अपडेट यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें।